बेहद दुखद खबर है मध्य प्रदेश से, जहां लगातार रफ्तार के कहर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक बेहद दुखद घटनाक्रम सामने आवा है, जहां एक ट्राला एक घर में घुस गया, जौने के चलते दो भाई एक बहनी समेत चार लोगों के दुखद निधन हो गया। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मामकनिष तिवारी अपना पंचायत का सभी जन प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद दुखद खबर के। जौने में अपना पंचायत बताया कि मध्य प्रदेश के दमोह जिला के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंजनी टपरिया गांव में अनियंत्रित गिट्टी से भरा ट्राला जो है सड़क किनारे बने कच्चे घर के ऊपर पलट गया। ये मां दो भाई एक बहन सहित चार लोगों के दुखद निधन हो गया। मृतक भाई बहन के माता पिता की हालत गंभीर बनी है। मृतक मां एक व्यक्ति के पहचान नहीं हो पाई है। बताया यह गया कि ऊंट जो है ट्राला में सवार रहा। एक के अलावा ट्राला चालक के हालत काफी गंभीर बताई जा रहा है। घायलन का 108 एम्बुलेंस के से जो है करीब बीती रात जो है 11 बजे जिला अस्पताल ले आवागत। जौने मां आकाश पुत्र हरिराम अहिरवाल उम्र 17 वर्ष, मनीषा पुत्र हरिराम उम्र 19 वर्ष, ओमकार पुत्र हरिराम उम्र 16 वर्ष, एक अज्ञात युवक का डॉक्टर विशाल शुक्ल के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। नेहा पत्नी हरिराम अहिरवाल एवं हरिराम पुत्र भूरा अहिरवाल 35 वर्ष के इलाज लगातार जारी है। हादसा में ट्रक चालक के हालत जो है गंभीर बताई जा रही और ओहू के इलाज चल रहा है। अपना बचक बताया दी घायल हरिराम के चचेरा भाई कोमल के द्वारा बताया गया कि रात करीबन जो है 8:30 बजे गिट्टी से भरा ट्राला बटियागढ़ के ओर से हटा की ओर जा रहा, हरिराम के कच्चे घर के ऊपर पलट गया। सभी लोग घर के अंदर रहे जो ट्राला चपेट में आए। घायलन का जिला अस्पताल पहुंचाए थे देहात थाना पुलिस कोतवाली पुलिस सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचा। हंगामा होए के मद्देनजर एहतियातन जो है गेट के पास पुलिस बल तैनात रहा। रात करीबन 11:30 बजे पथरिया विधायक रामबाई जिला अस्पताल घैलन के हाल जाने पहुंची। अपना प्रत्यक्ष बताया दी प्रत्यक्षदर्शी राघवेंद्र अहिरवाल के मुताबिक रात के करीब 8:15 में चाची जो है जो महिला रही वो बीड़ी बन भर रही, चाचा पास बैठ रहे हैं। तीनों बच्चा जो है आकाश उम्र 17 वर्ष, मनीषा उम्र 19 वर्ष, ओमकार उम्र 16 वर्ष मकान की दीवार के पास सोवर रहे। वो अपने घर के पास खड़े रहे। यह बीच तेज से आवाज आई कि वो लोग जहां से आवाज आई वो दिशा में दौड़े। आसपास मौजूद लोगों की तरफ जो भागे तब दिखे कि गिट्टी से भरा ट्राला चाचा हरिराम के कच्चे मकान के ऊपर पलट गया रहा। पूरे मकान पर गिट्टी बिखर गई रही और वो लोग मकान की ओर दौड़े और परिवार के लोगों का तलाश लगे। अपना को बताया दी मकान के ऊपर पहली गिट्टी का हटाव शुरू करी। पहले चाचा नजर आए, एक बाद गिट्टी हटावे काम माहौल तेजी ले आई गए। एक बीच चाची नेहा की आवाज मिली। लोग का बाहर निकाले के बाद तीनों बच्चन की तलाश शुरू की गए। करीब एक घंटा ज्यादा वक्त लगा। ट्राला में करीब 10 ट्राली गिट्टी भरी रही। यदि मकान ज्यादा गिट्टी न फैली हो तो तिरहू बच्चन के जानो बच्चा कर रही। अपना बच्चक बताया दी ग्रामीणों के अनुसार ट्राला गिट्टी से ओवरलोड रहा, पलटे पर पूरी गिट्टी घर के ऊपर भी घर गए। जोड़ के बाद परिवार के सभी लोग दबी गए। ग्रामीण और पुलिस की मदद से गिट्टी का हटावा गया। उसके बाद घायलन का बाहर निकाला गया। एम काफी समय लगे के बाद तीनों लोगों के मौके पर मौत हो गई। एक जिला अस्पताल पहुंचे पथरिया विधायक के कहा भाई कि ऐसे मार्गन पर ट्रकन के ओवरलोडिंग के चेकिंग हो चाहिए। दमोह जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में घायलन का जो है उतार जो है एक बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है। तो निश्चित तौर पर समझे लायक बात ही कि यह ओवरलोड जानलेवा है, किंतु जो है ट्रक मालिक या फिर कहा जाए कि चंद मुनाफा के चक्कर में यह ओवरलोडिंग करावत है जो बेहद जानलेवा है। हालात यह कि यह ट्रक के मसले में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये पूरे घटना में शोक व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि यह शोक व्यक्त करे के वक्त न हो, वक्त है कि हमें ओवरलोड वाहनन के ऊपर लगातार कड़ाई से कार्यवाही जारी रहे, नहीं तो आए दिन यह में घटना होत रहा थी। चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीधी हो रीवा हो हर जगह ओवरलोड सवारी बसन में चलती है। ओवरलोड माल मटेरियल जो है ट्रक मा डाला मा लोड करके ले आवा जाते जो हमेशा सड़क में यमराज बन जाते। तो निश्चित तौर पर आम जन के जो है जान माल की सुरक्षा के दायित्व तो सरकारन के है। तो निश्चित तौर पर ऐसा वाहन और वाहन मालिकन पर कार्यवाही अवश्य हो चाहिए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।